तों पहलां मोहाली ते चंडीगढ़ का मीडिया जिन्हें भी तुसी मंचां नूं रीप्रजेंट करते हो मैं तुहाडा स्वागत करदा, धन्नवाद भी करदा कि जदों भी तुहानूं बुलाईदा है तुसी बहुत वड्डी गिणती दे विच आ के साडी गलबात नूं साढ़े जिहड़े विचार ने जां पार्टी का जिहड़ा नीतियां ने उहनां नूं लोकां तक पहुँचाउंदे हो अज दे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे जिहड़े ने बहुत गंभीर ने। अज पंजाब दे करजे की गल करांगे। पंजाब दे सिर ते 3 लाख करोड़ का करजा है, 3 लाख करोड़ का करजा है ते 3 करोड़ आबादी है पंजाब दी। इहदा मतलब हर एक पंजाबी ते 1 लाख रुपया करजा है। अज जिहड़े बच्चे जम्मणगे वह 1 लाख रुपया करजा लेके जम्मणगे अपने सिर ते। यह करजा किवें आ गया? लीडरां दे तां 7 स्टार 5 स्टार होटल बन गए, लीडरां दे बड़े बड़े महल उसारे गए, लीडरां दीआं ट्रांसपोर्टां जिहड़ियां ने वो दुगणियां तिगणियां फ्लीटां दे नाल वध गईआं बसां, लीडरां ने अपने शॉपिंग मॉल शोरूम खोल ले। ते जदों लोकां दी वारी आउंदी है उदों कहिंदे ने खजाना खाली है, ते खजाना खाली करन वाले साफ नज़र आ रहे ने कि कौन ने। लोक जिहड़े ने वो टैक्स दे रहे ने, लोकां वल्लों कोई कमी नहीं, तां खजाना खाली किवें हो गया? आम आदमी पार्टी खजाना भी भरूगी ते लोकां नूं सहूलतां भी देऊगी। दिल्ली दे विच 26,000 करोड़ का बजट हुंदा सी, अज 69,000 करोड़ का बजट है, 69,000 करोड़ का दुगने तो भी ज़्यादा करता, ते नाले सहूलतां मिल रही हैं दिल्ली दे लोकां नूं। पंजाब दा बजट 1,68,000 करोड़ है, जे 20% भी रिश्वत ला लीए, रिश्वत चला जांदा है पैसा पंजवा हिस्सा ला लो, तां 30 तों 34,000 करोड़ सिर्फ रिश्वत दी लीकेज जिहड़ी है भ्रिष्टाचार दी ओह खजाने चों हो रही है। 30 तों 34,000 करोड़ तां इह आऊगा। अज मैं तुहानूं दस्सण लग्गिआ, तुहाडे अक्सर सवाल हुंदे ने कि पैसा तां है नहीं, आ की कित्थों देओगे ते करजा किवें लाओगे? कल्ली करप्शन दा 30 तों 34,000 करोड़ होऊगा वध, मैं इक अंदाज़ा लाया। रेते दा लगभग 20,000 करोड़, जानी के एक लख करोड़ तां कल्ले रेते च ही आऊगा 5 साल च। फिर एक्साइज, फिर ट्रांसपोर्ट, ये जिन्ने भी माफियाज ने इन्हां दी लीकेज रोको, इन्हां दा मूंह सीधा खजाने वाल,
नाले कर्जा लहूगा, स्टेट जिहड़ी आ सरप्लस होगी, उस तो बाद लोकां नूं जिहड़े वादे असी गरंटियां दित्तियां ने वो भी पूरियां करांगे। सो कोई लीडर इहो जिहा होवे जिहदी प्रॉपर्टी घटी होवे 5 सालां च जां 10 सालां च, चाहे वह हारिया होवे, नहीं है। सो ये गल करन तुहाडे नाल आए हां कि साडा आर्थिक पैकेज बिल्कुल तैयार है, रोडमैप तैयार है, इकनोमिक रोडमैप तैयार है, ते थानू आने वाले दिनों असी इहदा फुल डिटेल भी दसांगे। आने वाले दिनों असी खेती बारे, इंडस्ट्री बारे, रोज़गार बारे, आने वाले दिनों वो सारे रोडमैप तुहानू एक एक करके तुहाडे सामने रखते रहेंगे। तुहाडा कोई सवाल है तो मैनूं दस दिओ। पानी विकास दे बिल्कुल, देखो फुल स्टेट है दिल्ली तो सानू बहुत सारा, दिल्ली जितना कदे एल जी नाल कदे डी डी ए नाल कदे किसे ना करना पैंदा है, पर फुल स्टेट नू घट लोड पैंदी है। हाँ जे केंद्र नाल किसे ना किसे मैं कहवा कि पॉलिसी ते उन्हें सहयोग की लोड़ पई तो सहयोग लवेंगे उन्हें, तो पंजाब वास्ते किसी के हाथ भी बनने पै गए हाथ बन लाँगे, पैर फड़ने पे पैर फड़ लाँगे, पर साडा एजेंडा होगा कि पंजाब नू पैरां सिर खड़ा करना है, नंबर वन स्टेट बनाना है। पुराने साथी रहे ने धर्मवीर गांधी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ ਪਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਰਹੇ ਨੇ 2014-2019 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। कौन की दी बेइज्जती करता, कौन की दा नंबर लगता, आम आदमी पार्टी इन गल्लां च नहीं पैंदी। मैं थोड़े नाल रोड मैप सांझा करना आया, मैं पॉजिटिव राजनीति करना आया, मैं इत्थे किसे दा लांभा किसे दी निंदा किसे दी चुगली करने आया। नवजोत सिंह सिद्धू होरां दा जिहड़ा जदों कुछ बोलदे ने कोई वी आ करांगे आ करांगे, नाल दी नाल उहनां दी पार्टी च ही विरोध हो जांदा है कि इह मैनीफेस्टो च तां है नहीं चीज़ां, इह मैनीफेस्टो कमेटी दी मीटिंग कदों होई है, जे मैनीफेस्टो च ना पाईआं गईआं चीज़ां तां नवजोत सिद्धू दा की रहूगी, इह सिद्धू मॉडल नहीं, इह कांग्रेस मॉडल है, इह कांग्रेस मॉडल नहीं, इह पंजाब मॉडल है। सो उहनां नूं तां इही नहीं समझ आ रिहा कि किहड़े बंदे ने मतलब बोलना है। साडा पार्टी दा बणाया होइआ बैठ के बनाया हुआ रोड मैप है, और असी जो कहने वो करांगे, जिन्नियां गरंटियां दित्तियां ने कोई हवा च नहीं छुरलियां छटियां, प्रॉपर हिसाब ला के कि उहदा बजट कित्थों आऊगा, तो वो असी तुहानू दसियां ने ते गरंटियां पूरियां करांगे। इमीडिएट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता जे थोड़ी सरकार आएगी, जिदा आपां कहिंदे जी कि डिसमिस ही करो बंदे नूं, जे किसी कोई आंदा कि आपां करप्शन दी गल करदे आ सस्पेंड कर दिंदे आ जी उहनूं, कोई जे थोड़ी सरकार आएगी कोई इदां दा वी तुसीं रूल लैके आओगे जी कि उहनूं सीधा डिसमिस ही कीता जाए अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है। देखो किसे लैवल ते वी असीं भ्रष्टाचार नूं अपना असीं बर्दाश्त नहीं कर सकदे, जो भी भावें उह मंत्री है भावें संतरी है, कानून इक होगा ते जो कानून मुताबक होगा वही होगा, पक्के पैरी होगा, ये नहीं है कि कच्चे पैरी एक छोटी जी FIR करती जा बस फड़ ली एक उहदा परमिट रद्द करता बाद च कोर्ट ने जिहड़ा परमिट बहाल करता, इस तरह नहीं, कानून मुताबक कार्रवाई होगी।
कोई पोलिटिकल वैलेंटा भी नहीं होगा कि असी ये साड़ा विरोध करता सी इन्हों कर दिया उस तरह नहीं मतलब असी सरकार चलानी है कोई बदले बदला कोई वाली नीति ना नहीं चलानी मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना तुहानू सारा डिटेल देंगे कि मतलब किन्ने लाख फोन आए ने किन्ने मैसेज आए ने किन्ने कॉल्स आए जे लोग टैक्स भरते ने तो सरकार इमानदारी उन्होंने टैक्सा जड़ा यूज करती है तो लोगों का टैक्स का पैसा किसी ना किसी रूप च लोगों नू मिलना चाहिए वापस अमरीका कनेडा जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी कह देंगे तुम फ्री भी कही जाने फ्री भी देखो लीडर कि चीज़ें फ्री ने लीडर हवाई जहाजा के सफ़र है जी रेलवे के सफ़र उद घर की उन्होंने बिजली उद टैलीफोन का इन्ना इंटरनेट का इन्ना जे लीडर फ्री है तो पब्लिक क्यों नहीं मिलना चाहिए पब्लिक टैक्स भर रही है जो असी खजाना भरी जाने फिर देने की हर्ज है मैं दसो जो अभी दिल्ली की उदाहरण दें कि 26,000 करोड़ तो बजट 69,000 करोड़ करता बिजली 73% बिजली फ्री है दिल्ली में ठीक है जी तो इलाज फ्री है सरकारी स्कूल शानदार हो गए हस्पताल बहुत वधिया बन गए मुहल्ला क्लीनिक बन गए तो फिर जे पैसा हैगा सरकार को वापस किसी ना किसी रूप से लोगों को देने सानू कोई पेच हर चीज नजर आ रहा चार बजे उन्होंने प्रेस पता की है एक 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 ना हूँ तुम इतने गिणे ना करो वो सारे आपके हल्क च भी ने ठीक है ना सो इस तरह की कोई खबर कोई नाराजगी या कोई होर साढ़े एल ओ पी साहब अपने हल्के दिड़बे के पिंड च भी जा रहे हैं तो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देखो जी ये मैं पता नहीं तो उन्होंने कांग्रेस की आपकी अंदरूनी पॉलिटिक्स है कि दो तो सीटा लाने एक लड़ाते हैं पर मैं इन्ना पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू और जो ट्वीट ने वो कितने ना कितने बागी होंगे जा रहे हैं आने वाले 2-4 दिन शायद कुछ ना कुछ नहीं शायद नहीं कुछ ना कुछ तो होगा देखो असी जे सच पुछो मैं निजी तौर पर महसूस करदा कि जिहड़े जिहड़ी पार्टी दे चोण निशान तो जित्ते जदों कानून बनिया होया एंटी डिफेक्शन लॉ कि जिहड़ी पार्टी दे चोण निशान तो तुसीं जित्ते हो जिन्ना चिर तुसीं 2/3 नहीं होंदे 2/3 नहीं होंदे तां तुसीं दल नहीं बदल सकते ठीक है पर उहदे च इक होर कढ रखा है कि स्पीकर साहब फैसला लैणगे 2019 दे विच इलैक्शन लड़ी सुखपाल खहरा ने आपदी पार्टी बना के एक होर सिंबल तो ते मास्टर बलदेव जी ने फरीदकोट तो जबकि किसी होर सिंबल तो वह एम एल ए इमीजिएटली कार्रवाई क्यों नहीं होंगी स्पीकर साहब ने आपके हिसाब नाल करदे जी बुलाउने बुलाउने सिर्फ वोटां तो कुछ महीने पहले आके जिहड़े जिहड़े तो आउंदे सी कांग्रेस च ठीक है ना वो छड़ते बाकी बाकी कहिंदे बाकी नूं कर दो सस्पेंड कर दो सो इस तरह के नहीं होने चाहिए जो ऑलरेडी एक बंदा इलैक्शन लड़ लिया किसी होर सिंबल तो वह किसी होर सिंबल तो जिहड़ा एम एल ए है ज एम पी है वो कागज भरने वे एम पी शिप ज एम एल ए शिप रद्द हो जानी चाहिए देखो अकाली दल बिलकुल सही है क्योंकि अकाली दल को पिंडां च जाण नूं कोई वलंटियर तो है नहीं वो रैलियां करदे आ वो भी जिहड़ियां जिवें उन्हूं करदे ने बसां भर भर लिआउंदे ने की लालच दे के लिआउंदे ने उहनां दीआं बंद हो गईआं
आम आदमी पार्टी तो रोड अपना डोर टू डोर दी स्पैशलिस्ट है, असीं तो शुरू किया दिल्ली से यह काम, सो साडे लई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साडियां फौजां तो लगिया हुई ने, सोशल मीडिया से असीं बहुत एक्टिव हाँ, जनूनी ने साडे जिहड़े भमाकड़ ने, सो इस करके हाँ अगे उम्मीद करते हैं कल नूं कि जे इलैक्शन कमीशन थोड़ी जी ढिल दे दे रैलियां कोविड दी गाइडलाइन के मुताबिक हो जाए तो असीं भी शुरू कर लैंदे हां। खुद बड़े पॉपुलर फेस हो आम आदमी पार्टी भी मान ली, तुहानूं फोन कॉल की जरूरत मैसेज की जरूरत है भी है किवें जी सीएम फेस जनता नूं इनवॉल्व तो करना पऊगा, जे तुसीं कहोगे कि तुसीं पॉपुलर फेस हो तुहानूं वोटां पाउण दी लोड़ हैगी है, वोटां तो लोग ही पाउंदे ने, सो पब्लिक नूं पहली बार होया इतिहास दे विच पब्लिक नूं इंपोर्टेंस मिली है कि तुसीं अपने स्टेट का सीएम चुन लो, दस दो आपकी राय दस दो तो जिहड़ी साहब तेरी राय आऊगी तुहाडे सामने रख रहे है जी। उत्तराखंड पहले ही सीएम का चेहरा अनाउंस करता सी, नहीं कोई गल नहीं करो, हरेक स्टेट का अपना अपना नेचर होंगे, कोई कांग्रेस अपने टिकट्स अनाउंस करने जा रही है, इस तरह से सूचना मिल रही है, तो यूथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले, आपको लगता कोई इंपैक्ट इससे आम आदमी पार्टी पे पड़ेगा? उन्होंने लिस्ट आ जाने दो, उस तो बाद तुसी ये देखियो कि उन्होंने हुंदा की है। देखो पता की है जो कोड लग्या है, कोड के इलेक्शन कमीशन की लोड़ पै गई कि कोई ना कोई नहीं एक महीने की बजाय असं हफ्ता दें बस सिर्फ हफ्ते ही कर दो रजिस्टर्ड ये कर दो, सो कि ना कि थोड़ा बहुत लग रहा है कि किसी ना किसी एज देने की कोशिश की जा रही है, पर आम आदमी पार्टी अपने वालों डट के प्रचार करेगी, माली का कम पानी पाना पर मशक पावे, मालक का कम फल फुल लाना लावे ज ना लावे।